नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24 और मैं आज बहुत ही एक चर्चित हस्ती को मिलवाने जा रहा हूं आपके सामने, जिनका नाम उधारी बाबू है। भोजपुरी फिल्मों में बहुत ही अच्छा अभिनय इनका रहा है और कोरियोग्राफर भी हैं। तो आइए मैं सुनवाता हूं इन्हीं के जुबानी परसों की घटना है इनके साथ। और हाँ, उधारी बाबू जी बताएँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं उधारी बाबू आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जितने भी तमाम दर्शक हैं इंडिया नाउ के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, भैया को प्रणाम करता हूँ, रजनीश भैया को। परसों की बात है, मैं होटल में गया था, जिसका होटल का नाम था प्रताप पैलेस। वहाँ पर मैं रवि पंडित करके एक वीडियो डायरेक्टर, उनसे मिलने गया था। कुछ बात हो रही थी, हमारी हंसी मजाक चल रहा था। तो तक एक भोजपुरी सुपरस्टार हैं रितेश पांडे, उनके भाई आए, बहुत दारू पिए हुए थे। तो वो लोग गौरव सिंह राजपूत से कुछ बोले हुए थे, उनके टीम के लोग जैसे आनंद द्विवेदी। तो मैं उनको मैसेज किया था, कॉल किया था, तो वो माफ़ी मांग चुके थे। तो मुझे पता चला था कि इसमें छोटन पांडे भी हैं शामिल, उसमें छोटन पांडे भी मुझे कुछ बोले थे, मुझे सुनने में आया था। तो मैं छोटन पांडे जैसे ही आया तो हाथ मिलाए बहुत इज्जत से। तो मैं छोटन पांडे से पूछा कि क्या छोटन भाई, मेरे बारे में कुछ बोले हो क्या गौरव सिंह राजपूत से? तो बहुत ही गंदे लैंग्वेज में उन्होंने गाली दिया और बोला कि कौन है ये गौरव सिंह राजपूत। मैंने बोला कि तमीज़ में बात करो। तो बोलता कि तुमको बोला हूँ क्या, भोजपुरी में बोल रहा था। तो मैंने बोला कि तुम तो छोड़ो, रितेश पांडे ऐसे नहीं बात करेंगे। फिर वो मुझे बहन की गाली दिया। मैं उठा तो मुझे लोग पकड़ लिए। पकड़ने के बाद बोला कि इससे क्या मैं मुंह लगूँ, यहाँ से मैं निकलता हूँ। और मैं वहाँ से निकल गया। लोग मुझे बोले कि उधारी भी आप जाइए जाइए जाइए। क्या ऐसी वारदात हो गई थी कि आप लोगों को थाने तक जाना पड़ा इस मैटर को लेकर के? यही भी आप सम्मान से बड़ा क्या चीज़ है, एक जो इंसान दारू पी के किसी सुपरस्टार का नाम यूज कर रहा है कि मैं सुपरस्टार का भाई हूँ, और अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अगर मैं कुछ मुँह से नहीं, अगर किसी से नहीं बोला है तो मेरा पूछना गलत तो है नहीं कि मैं भाई आपने मेरे बारे में कुछ बोला है कि नहीं बोला है। अगर वो नहीं बोले तो बोल दिया होता कि नहीं उधारी भाई, मैं आपसे ऐसा नहीं बात किया हूँ। गाली तो देने की कोई बात थी नहीं, तो मुझे 10 आदमी के बीच में गाली दिए। तो भाई गाली देंगे तो मैं गाली अपना देकर मुँह क्यों खराब करूँ भाई? उसको मैं थाने में जाकर एप्लीकेशन दे दिया। और क्या ऐसा मैटर हो गया था जो कि आपको किडनैपिंग के लिए लोग आए थे आपके घर पे चढ़ करके? और क्या ऐसी चीज़ें यही है जो मैं मामला दर्ज कराया था। तो इंस्पेक्टर साहब जाके वहाँ पर मौका है, जहाँ वारदात हुआ था वहाँ पर जाके अपना जांच पड़ताल किए। जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि हाँ, गलती तो छोटन पांडे की है। जितने भी लोग थे वहाँ पर, अभी पंडित सत्यवीर सिंह, सब लोगों ने बताया कि उधारी भाई ने कुछ भी गलत नहीं बोला, ये किए। फिर उसके बाद हमारे जिला के हैं आशीष यादव करके वीडियो डायरेक्टर, वो मुझे फ़ोन किए और फ़ोन करके बोले कि भाई मैटर को सुलटाया जाए, घर की बात है। मैंने बोला घर की बात कोई मेरी माँ बहन नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सब होने के बाद बोले कि ठीक है, मैं आपके घर के नीचे आ रहा हूँ, मिलिए रात को 12 बजे। मैंने ठीक है, आके मिलिए, मिलने में क्या जाता है। तो मैं जाके उनसे सोचा कि मिल लेता हूँ। तो जैसे ही मिलने गया तो मैं देखा पूरा पलटन लेके आए हुए हैं आशीष यादव। कैसे आए थे, पैदल आए थे या किस तरह से आए थे? नहीं, एक स्विफ्ट गाड़ी करके थी, स्विफ्ट व्हाइट कलर की स्विफ्ट थी। तो आशीष यादव, फिर से आशीष यादव के बाद उसमें थे संगम म्यूजिक डायरेक्टर छोटन पांडे, जो कि गाली दिए थे, वो भी दारू पी के हुआ थे। और सभी लोग दारू पिया हुआ था, मैं किसी भी सबकी। एक रोशन नाम का लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, जानू यादव था, जानू यादव की इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी 4 लोग हैं जो, 4 लोग क्या मतलब, आए तो थे जो थे सभी लोग मुझे उठाने के ही उसमें आए थे। तो जो आशीष यादव मुझे बुलाए थे, मैं जाके बोला था क्या आशीष भैया क्या बात है बताइए। तब तक जो संगम म्यूजिक डायरेक्टर है वो अभद्र, मतलब बहुत गंदी गाली, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं आप लोगों को सुना दूंगा, दिखा दूंगा, आपके चैनल पे दे भी दूंगा, आप चला सकते हैं इस पर। बहुत गंदा गाली देके बोले कौन है उधारी बाबू, ऐसा वैसा ही प्लान है। बहुत देखे उधारी बाबू को क्या है, हाथापाई हम लोगों में हुआ। उसके बाद हमको किडनैप करने की कोशिश की, लोग पत्थर उठाए, वो लोग भाग गए। उसके बाद मैं थाने, जो हमारे नज़दीकी थाना है, मैं वहाँ पर गया, बताया सब बात। कौन सा थाना पड़ता है आपके यहाँ? मेरे नज़दीकी थाना पड़ता है नदेसर, नदेसर चौकी पड़ती है हमारे यहाँ से। तो नदेसी चौकी में आपने वो लिख करके दिया है या फिर उसके बाद? नहीं, मैंने तो जहाँ मौका पहले हुआ था वारदात, स्टेशन रोड पे हुआ था। तो मैंने वो रोडवेज पुलिस चौकी पे जाके, ये जो कि आदित्य सिंह वहाँ के चौकी इंचार्ज है, उनको मैंने दिया था। उसके बाद जो मेरा घर है, मैं नदेसर में रहता हूँ, तो मेरे नज़दीकी नदेसर चौकी है। तो मैं यहाँ रात को भाग के गया कि मुझे सर किडनैप करना लोग चाह रहा था, चलिए ऐसे ऐसे बात है। वहाँ पर एक सिपाही थे, बैठे थे, बताएं कि कल सुबह सर आएंगे, आप कल सुबह आकर सर के साथ FIR करवा दीजिएगा। अच्छा, फिर ऐसा क्या मामला हुआ कि आपके जो आपके नज़दीकी थाने हैं उसमें से किसी ने आपकी रिपोर्ट दर्ज की? नहीं, वो बोले कि आपका पहले मामला दर्ज हुआ है रोडवेज वहाँ पे, तो वो ये मामला शुरुआत वहीं से, तो वहीं पे जाके दीजिए। जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनका नाम सर का भूल रहा हूँ,
तो मैं गया वहाँ पर, आदित्य सर मेरा बहुत हेल्प किए, वो मुझे 2 बजे बुलाया, बाबू 2 बजे आ जाओ तुम्हारा हम सुनेंगे और हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है कि गलत कोई आएगा तो किसी का शोर से काम चल जाएगा। तो बहुत मेरा सपोर्ट किए उन्होंने, मेरे बात समझे, मैं पूरा प्रूफ सुनाया उनको, तो बोले नहीं तुम सही हो और कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई हुई। लेकिन किडनैपिंग वाला मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। किडनैपिंग वाला मामला अगर यहाँ पर छोटन पांडे आते हैं, स्वीकार ये करते हैं कि ये सब मामला मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, उनकी मतलब गुहार जो लगा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, तो उसके बाद उन पर ये भी कार्रवाई लगेगी किडनैपिंग वाला। तो कल उनको छोटन पांडे को बुलाया गया था थाने में जी, छोटन बुला करके, और फिर उसके बाद उस प्रक्रिया में कुछ आप बोलेंगे नहीं, तो छोटन पांडे हमसे माफ़ी मांग रहे थे। अच्छा ये बताइए, कोई माफ़ी मांगना है सर ठीक है, किडनैप गाली दिए थे माफ़ी मांगना ठीक है, जो किडनैपिंग वाला मामला है, अगर मुझे किडनैप करके ये छोटन पांडे, आशीष यादव, फिर से म्यूजिक डायरेक्टर संगम, फिर से रोशन नाम का एक लगा है, वाइट, मैं कन्फर्म नहीं उसका नाम रोशन है, उसको पहचानता हूँ बहुत अच्छे से, रितेश पांडे ग्रुप में रहता है, अगर ये लोग मुझे किडनैप कर लिए होते, मेरी जान चली जाती, तो क्या माफ़ी कोई मांगता मुझसे? पता नहीं गाड़ी में भर रहे थे, हथियार था कि क्या था भगवान जाने, गाड़ी में तो लोग मुझे खींच रहा था कि गाड़ी में भरो भरो, जाते वक्त मैं पत्थर लेकर दौड़ाया हूँ तो बोलते हैं सब गाली देख गए हैं, तो जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना और जाके थाने माफ़ी मांगो, ये कौन सी बात थी बताइए हमको? अगर मेरी जान चली जाती तो कोई भी रितेश पांडे के घर से आता, कोई चाहे रितेश पांडे के परिवार से कोई आता भाई, चाहे जितने कल वहाँ पर लोग बुलाए हुए थे, नेता प्रता चाहे जो भी लोग, कोई जाके माफ़ी मांगता मेरे बाप से, उधारी बुला कर देता? ये बताइए, 2 रुपया की दारू ये लोग पी रहे हैं, 200 रुपये की दारू, सस्ती दारू पी के, महंगी महंगी जो बात कर रहे हैं, किसी को जान मार रहे के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, ये इतने बड़े गुंडे हो गए हैं लोग? हाँ, जो मेरे साथ हुआ है मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कि मेरे जगह पर कोई दूसरा होता तो हार्ट अटैक से मर जाता उस दिन, अगर कोई कमज़ोर बंदा होता तो ये लोग मार दिए होते, गारंटी कर रहा हूँ कि 5 लोग मिलकर मार दिए होते उस दिन वहाँ पे, मेरे पास ऑडियो है, बहुत हाथापाई हुई है, मैं पत्थर उठाया तो ये लोग भागे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी है वहाँ का जी, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो कि गाड़ी क्रॉस हुई है, मैं गाड़ी के पीछे भागा हूँ, उसका मुझे प्रूफ है, बाकी रोड पे जो कैमरा लगा हुआ है, जो अगर थाना में हमारा मामला दर्ज होगा तो मैं थाना प्रभारी से चाहूँगा, मेरे पास टाइमिंग मैं लेके रखा हूँ कि कितने बजे टाइमिंग पे मैं गाड़ी वो दौड़ाया हूँ, और हाथापाई हो रही है, लोग मुझे कैसे घसीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब उसमें है। और आशीष यादव नाम है उनका, आशीष यादव बोल रहे हैं कि तुम्हारे बाप को उठवा लेंगे, अब बताइए, वो मेरे आए थे मामला सलटाने के लिए, और आशीष यादव बोलते हैं कि तुम्हारे बाप को उठवा लेंगे, और जो गाली दे रहा था उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, बताइए। तो इन लोगों की सर मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पूरी साजिश थी कि ये लोग मुझे किडनैप करें, किडनैप करके कहीं यहाँ पर अपने किसी प्राइवेट जगह पर ले जाएँ, वहाँ पर मारे पीटे और मुझे फेंक दें, पूरी इन लोगों की साजिश थी सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं गाली गोले पे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन किडनैपिंग वाले पे माफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं किडनैपिंग वाले पे FIR दर्ज कराऊंगा और इन सब लोगों को मैं जेल भिजवाऊंगा। ठीक है, तो आइए